इश्क में ऐसा भी हाल होना है। सरदार नईम ने 5 साल पहले अपने बेटे सरदार अयान को जायदाद से आग कर दिया और अब वो पार्टी में मेरा साथ चाहते हैं। सरदार शामिर, पता है अच्छा हुआ कि फजर जो है समरा की सगी बहन है, वरना खाला तो तुम्हारा निकाह करा देती उससे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सोचे समझे बगैर जो दिल में आता बोलना शुरू कर देती हो। अदान देखिए ना, दरवाजा भी नहीं खोल रही है अब। भाई तुम्हारे इस वार के बाद सरदार नईम अब अगले इलेक्शन तक उठ नहीं सकेगा। मैं तो सच्चे दिल से तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लाई थी, लेकिन नेहा की बातों की वजह से तुमसे नजरें मिलाते हुए भी बहुत शर्म महसूस कर रही हूँ। आज मुझे कैसे याद किया आपने? तुम्हें इनवाइट करना था। हाँ घर पे पार्टी है, और हाँ ये भी एडवांस में बता दूं कि मीडिया भी होगा। उस लड़की से जान छुड़ाने के लिए हमें लीगल एक्शन लेना है। उसे डाइवोर्स देके इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। यही काम बच गया कि मैं 4 दीवारी में बैठी तुम्हारे इंतजार। मुझे छोड़ते ना तो मेरा भी आज कोई मकाम होता। काश
काश कि तुम मेरी जिंदगी में आए ही ना होते। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को भी उसी तरह बाप की मोहब्बत के लिए तरसना पड़ा जैसे सारी जिंदगी मैं मोहब्बत के लिए तरसी हूं। अगर कभी तुम मेरे सामने आ गए ना शामिर, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, अपनी सारी इंसल्ट का बदला लूंगी तुमसे, ये वादा है मेरा। तुम ये भी तो सोचो कि तुम इस हालत में किस तरह अपना ख्याल रखोगी, कैसे अकेले रहोगी। मैं तुम्हें इस हालत में कहीं नहीं जाने दे सकती। समरा, मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन मेरे पास हजार काम है करने को, मेरी जॉब भी दोबारा स्टार्ट हो रही है, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कैसे गुजर रहा है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यहाँ से अकेले जाने देकर मैं बहुत सुकून में रहूंगी? मुझे तो फिक्र ही नहीं होगी ना तुम्हारी। समरा, अब मुझे अकेले रहना सीखना होगा। तुम हमेशा तो मेरी फिक्र नहीं कर सकती ना। तुम बताओ, क्या तुम्हारे घर पर रहना इस मसले का हल है? तुम्हारा यहां से वापस जाना और अकेले रहना भी इस मसले का कोई हल नहीं है। मैं अकेली कब हूं? तुम्हारे अदनान भाई हो ना मेरे साथ, तुम लोग तो मुझसे मिलने आते रहोगे। क्यों फजर, वो अलग बात है, और वैसे भी अम्मी का सोचो, वो कितने मान से तुम्हें इस घर में लेकर आई हैं। मुझे नहीं लगता कि अदनान और अम्मी तुम्हें घर से जाने देंगे। समरा, मुझे आंटी के खुलूस की बहुत कदर है, मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और तुम्हें पता है मैं जब भी उन्हें देखती हूँ ना, जैसा लगता है कि अम्मी खड़ी हुई है। लेकिन समरा, मैं इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा वजूद तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, इसलिए अच्छा होगा कि मैं यहां से चली जाऊं। प्लीज
आ सकती हूँ आंटी। तुम इस घर में रहते हुए भी बेटा किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपनी बेटी बनाकर लाई थी। लेकिन नेहा की बातों की वजह से तुमसे नजरें मिलाते हुए भी बहुत शर्म महसूस कर रही हूँ। आंटी आप क्या कह रही हैं? आप लोगों के होते हुए मैं कभी खुद को तन्हा महसूस नहीं कर सकती। आपने तो मुझे उस वक्त सहारा दिया जब ने मुझे तन्हा छोड़ दिया था। अगर आज अम्मी यहाँ पर होती तो शायद यही करती जो आज आपने किया। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, तुम अकेली नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप सबके होते हुए मैं कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं कर सकती। फिर भी बेटा तुमने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। दरअसल मैं जानती तुमने ये फैसला नेहा की बातों की वजह से किया ताकि समरा की जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। बेटा मैं तुम दोनों बहनों से बहुत शर्मिंदा हूँ। नेहा की बातों की वजह से जो तुम दोनों की दिल आजारी हुई है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ठीक आप क्या कर रही हैं? तुम मेरी माँ जैसी हैं और माँ बेटियों से माफी नहीं मांगती। तो इस माँ की बात मान लो बेटा, अपना इस घर से जाने का फैसला तरक कर दो। अदनान, आयान का कुछ पता चला? नहीं यार, कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ चला गया वो, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ उसे। सर में दर्द हो रहा है, कब चाय मिलेगी? आप ऊपर चल के फ्रेश हो, मैं लेकर आता हूँ। हाँ तुम जल्दी आना, ये तुमसे बात भी करनी है। जाने कैसे कैसे हालात से गुजरा है ना बेचारा उस लड़की के साथ। उस लड़की का चैप्टर तो मैं क्लोज कर लूंगा। पता ही नहीं, इस बार मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी अयान के लिए। समरा, मैं फजर के घर की तरफ गया था, वहां जाकर लोगों से पूछा तो पता चला कि अयान पिछले दिनों किसी लड़की के साथ आता जाता था। क्या